व्हाट्सएप फीचर नंबर 9th, आप सबको पता होगा कि अगर आप किसी को कोई मैसेज सेंड करते हैं और अगर वो यूज़र उस मैसेज को पढ़ लेता है तो आपके चैट में 2 ब्लू टिक्स लग जाते हैं। बट मान लीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी की चैट पढ़ भी लें और उसको पता भी ना चले, यानी कि ब्लू टिक ना लगे, तो ये चीज़ भी आप इस फीचर को यूज़ करके कर सकते हैं। वेल, इसके लिए आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद वहाँ पर आपको रीड रिसीट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको डिसेबल कर दीजिए। जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे, नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई मैसेज सेंड करेगा और आप अगर उसका मैसेज पढ़ भी लेते हैं तो उसके चैट में वो ब्लू टिक नहीं लगेगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करने से आप उस मैसेज को पढ़ने के बाद भी उसके रिप्लाई देने से बच सकते हैं। व्हाट्सएप फीचर नंबर 10th। वेल गाइस, पहले ये समझिए कि अगर ये फीचर के बारे में आपको नहीं पता है तो क्या होगा। आप सबको पता होगा कि जिस नंबर से आपका व्हाट्सएप चल रहा है, उस नंबर को अगर कोई अपने फ़ोन में सेव कर लेता है तो उससे वो अपने व्हाट्सएप से आपकी प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है। बट इस फीचर को यूज़ करके आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन आपकी प्रोफाइल देख सकता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाना है। वहाँ पर प्राइवेसी के ऑप्शन में जाकर आपको प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। अगर आप एवरीवन पर क्लिक करते हैं तो ऑफकोर्स हर कोई आपका नंबर सेव करके व्हाट्सएप प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है माई कॉन्टैक्ट, यानी कि जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके फ़ोन पर सेव हैं सिर्फ वही आपके प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकते हैं। एंड अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप नोबडी पर भी क्लिक कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? व्हाट्सएप फीचर नंबर 11th। वेल गाइस, इस फीचर को यूज़ करके आप अपने व्हाट्सएप की सारी डेटा रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपने कौन कौन सी प्रोफाइल चेंज की, आपके अकाउंट में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेल गाइस, इसमें चैट्स डाउनलोड नहीं होंगे। सो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाना है। वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 3 दिन बाद आपको अपने व्हाट्सएप की डेटा रिपोर्ट मिल जाएगी। व्हाट्सएप फीचर नंबर 12th। क्या आप एक ही तरह के फॉन्ट यूज़ कर करके थक गए हैं? बट इस फीचर को यूज़ करके आप डिफरेंट फॉन्ट्स में एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल्ड फॉन्ट में चैट करना है तो इसके लिए आपको पहले स्टार लगाना होगा, उसके बाद मैसेज लिखना होगा, उसके बाद लास्ट में भी स्टार लगाना होगा, एंड आफ्टर दैट वो मैसेज बोल्ड फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको इटैलिक में भेजना है तो दोनों साइड अंडरस्कोर लगाना होगा, और अगर आपको स्ट्राइक थ्रू में भेजना है तो उसके लिए ये कर्व लगाना होगा, एंड अगर आपको टाइपराइटर फॉन्ट में भेजना है तो इसके लिए इस मार्क को लगाना होगा। बट गाइस, ध्यान रहे कि उस वर्ड और उस सिंबल के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। सो इस फीचर को यूज़ करके आप डिफरेंट फॉन्ट्स में एक दूसरे से चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप फीचर नंबर 13। आप सबको पता होगा कि व्हाट्सएप में आपको एक वॉइस नोट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप किसी को अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बट गाइस, में दिक्कत ये है कि उस वॉइस नोट को सेंड करने के बाद ही आप उसको सुन सकते हैं, यानी कि अगर आपको चेक करना है कि मेरी आवाज़ कैसी आई है, क्लियर आई है या नहीं, तो वो चीज़ सिर्फ आप सेंड करने के बाद ही सुन सकते हैं। वेल, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड करने के बाद पहले आप सुनें उसके बाद ही सेंड करें, तो व्हाट्सएप में आप ये भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मली माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद ऊपर स्लाइड कर देंगे तो वो ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप अपनी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद अगर आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई हो तो सीधा उस चैट से बैक कर लीजिए। उसके बाद फिर से उस चैट को ओपन कीजिए, आपको दिख जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो गई है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, सेंड का, प्ले का और डिलीट का। अगर आप सुनने के बाद उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लीजिए, और अगर सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर लीजिए। तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप वॉइस नोट भेजने से पहले भी सुन सकते हैं। व्हाट्सएप फीचर नंबर 14th। क्या आपके व्हाट्सएप चैट में कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके मैसेजेस आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, बट क्योंकि आपके व्हाट्सएप में काफ़ी सारे मैसेज आते हैं तो वो इंसान नीचे चला जाता है? वेल, उस पर्टिकुलर पर्सन को आप सबसे ऊपर भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको उस यूज़र के चैट पर लॉन्ग होल्ड करना होगा, उसके बाद आपको ऊपर एक पिन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही उस यूज़र की चैट सबसे ऊपर पिन हो जाएगी। अब आपके कॉन्टैक्ट में अगर सारे यूज़र भी आपको मैसेज करेंगे, फिर भी उस यूज़र की ही चैट सबसे ऊपर रहेगी जिसको आपने पिन किया है, जिससे कि आप उस शख्स को क्विक रिप्लाईज दे सकते हैं। नाउ गाइस, बढ़ते हैं आज के 15th व्हाट्सएप फीचर की तरफ। वेल गाइस, फीचर को यूज़ करके आप किसी पर्टिकुलर यूज़र की चैट को अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर सेव कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा किसी को क्विक रिप्लाईज देने के लिए। वेल, इसके लिए आपको उस यूज़र की आईडी पर लॉन्ग टैप करना होगा, उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड चैट शॉर्टकट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप आपसे परमिशन मांगेगा, उसको अलाउ करते ही वो चैट आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी, जिससे कि आप उस शख्स को क्विक रिप्लाईज दे सकते हैं। नाउ गाइस, अब बढ़ते हैं आज के लास्ट यानी कि 16th व्हाट्सएप फीचर की तरफ। क्या आपको पता है कि आपको व्हाट्सएप में भी एक फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है? यस, बिना कोई सिक्योरिटी ऐप को डाउनलोड किए या फिर अपने फ़ोन के ऐप लॉक फीचर को यूज़ किए आप अपने व्हाट्सएप के ही फिंगरप्रिंट लॉक को एक्टिवेट कर सकते हैं।
इसके लिए आपको WhatsApp की सेटिंग्स में जाना है। वहां पर आपको अकाउंट में जाकर प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे लास्ट में आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, उसको इनेबल कर दीजिए। वेल, ये लॉक का फीचर WhatsApp के लिए ही बना हुआ है। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है देन ये ऑफकोर्स वर्क करेगा। तो जैसे ही आप इनेबल करते हैं आपके WhatsApp में भी एक फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। तो बस गाइज, दैट्स इनफ फॉर टुडे। WhatsApp फीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, इसलिए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाना ज़रूरी था। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो और ये फीचर्स पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।